झाबुआ जिले की पेटलावद विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी निर्मला भूरिया ने शानदार जीत दर्ज की है। रविवार को शाम को विजय प्रमाण पत्र लेने के बाद सोमवार को पेटलावद में भव्य विजय जुलूस निकाला है, जिसमें निर्मला भूरिया ने अपनी जीत के लिए मतदाताओं का आभार जताया है। वहीं भोपाल से रवाना होने पर पहले निर्मला भूरिया ने पत्रकारों से मुलाकात की है, जहां पत्रकारों ने उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने रेल सुविधा और क्षेत्र में उद्योग स्थापित करना अपनी पहली प्राथमिकता बताई है। कैसा लग रहा है आपको, क्या संदेश है आपका? देखिए, जीत तो सबको अच्छी लगती है और ये कि जीत के अच्छा अनुभव कर रहा है रहा मेरा और अपने क्षेत्र की जनता को और मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार मानती हूँ कि इस क्षेत्र का बहुत लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रही हूँ मैं और अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन हमेशा से मुझे आशीर्वाद मिला है और कहीं ना कहीं ये कहूँ कि मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया की पुण्य ही है, मेरी भारतीय जनता पार्टी का भी जो आशीर्वाद और सहयोग मिलता है और सभी छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद और सहयोग मिलता है, उसी की बदौलत आज मैं फिर से मध्य प्रदेश की विधानसभा में चुनाव करने जा रही हूँ, तो उनका आभार। मैडम, पेटलावद क्षेत्र के विधानसभा के अंदर दो इंडस्ट्री एरिया, एक बामनी और कसार बैठी, तो इसके अंदर अधिक उद्योग आए और यहाँ का पलायन रुके, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और हमारे पिछले समय भी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रयास किया था और यहाँ पे काफ़ी उद्योगपतियों को ला करके इंदौर में भी और दूसरी जगहों पर भी कोशिश करी थी कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगपति आकर के और यहाँ पे काम करें और आगे भी हमारे लोगों का ये प्रयास रहेगा कि कुछ न कुछ यहाँ पे करें हम उसका। दीदी, एक बॉम्बे रेलवे स्टेशन आपकी विधानसभा में मात्र, राजस्थान के लिए काफ़ी तीर्थ स्थल है, राजस्थान में कोई रेलवे यहाँ पे अभी तक कोई स्टॉपेज नहीं है बॉम्बे पर, इसके लिए आप कुछ कोशिश करेंगे, आने वाले समय में प्रयास करेंगे। ठीक, आशा है। दिलीप सिंह जी भूरिया ने महिक परियोजना की एक सौगात दी थी, जनता को ऐसी कोई आपसे आशा है कि या कोई बड़ी सौगात आपके द्वारा दी जाए? देखिए, यहाँ माहे की जो सौगात दी है वो स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया की ही देन है, अटल जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है और इससे इस पेटलावद क्षेत्र का भाग्य बदला है, सिंचाई हमारे किसानों के खेतों में अच्छी होने लगी है और वो उन्नत कृषि करने लगे हैं, चाहे वो फलों की खेती हो, फूलों की खेती हो और हर तरह की खेती यहाँ पे हमारे किसान लोग करने लगे हैं, जिसे आर्थिक संपन्नता यहाँ दिखने लगी है और आई है। तो कोशिश करूँगी कि यहाँ पे कुछ ऐसी यूनिटें लेकर के आए कि हमारे किसानों को उससे फायदा मिले। यहाँ के किसानों ने काफ़ी मांग है फूड प्रोसेसिंग के लिए, इसके लिए आप इतना देखिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए ये है कि ठीक है वो कोई भी स्कीम लेके हम लोग आए, लेकिन उसकी मार्केटिंग भी ज़रूरी है। ठीक है, हम कोई चीज़ यहाँ पे बना तो लेंगे लेकिन उसको बेचेंगे कहाँ, साथ साथ में अगर इसकी भी व्यवस्था हो जाए तो फूड प्रोसेसिंग लगाना मतलब अच्छा रहेगा, उचित रहेगा और कोशिश करूँगी, मेरा ये प्रयास रहेगा कि प्रोसेसिंग है वो उसका भी कार्य यहाँ पे और साथ में मार्केटिंग भी, उसको कहाँ ले जाके बेचे हम लोग उसकी भी व्यवस्था इंडस्ट्री।